दोस्तों, आपने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा होते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन धर्म और आस्था पर टिके हुए हमारे इस देश में कुछ भी मुमकिन है। आज हम आपको घर बैठे बैठे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां देवी देवताओं की मूर्तियों की नहीं बल्कि कुछ और ही पूजा जाता है। इन्हें देखकर शायद आपको भी यकीन ना हो, पर हर एक मंदिर की अपनी एक खास कहानी है, जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ का ये मंदिर तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, परंतु इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। परंतु आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इस मंदिर की एक दीवार तक उस महाप्रलय में नहीं गिरी थी। लोग इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर भी कहते हैं। साथ ही इस मंदिर में देश विदेश से लाखों पर्यटक माथा टेकने आते हैं। नंबर दो, अमरनाथ गुफा, हिमालय। भारत में किसी प्राचीन गुफा की बात की जाती है तो अमरनाथ गुफा का नाम लोगों की जुबान पर सबसे पहले आता है। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है और धीरे धीरे वह एक विशाल शिवलिंग का आकार ले लेता है। हिंदू धर्म में इस अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के आराध्य के तौर पर माना जाता है। हर साल लाखों लोग इस अमरनाथ गुफा को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। आपको बता दें कि यह गुफा 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लोग अनेक संकटों में बाधाओं को पार करने के पश्चात इस मंदिर में प्राकृतिक शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं। नंबर तीन, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यह प्रसिद्ध भी है। ये भगवान हनुमान के 10 प्रमुख शक्ति पीठों का प्रतीक है। प्राचीन समय से ही यह मान्यता है इस मंदिर में भगवान हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत या फिर बुरी आत्माओं का वास होता है, यदि उन्हें इस मंदिर की चौखट पर लाया जाए तो वह भूत प्रेत आत्मा चीखने चिल्लाने लगती है और उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ऐसा कैसे होता है यह तो केवल भगवान ही जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है और यही कारण है बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं। परंतु इस मंदिर में रात में रुकना वर्जित है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो आत्माएं इस मंदिर की चौखट पर आकर गुप्त हो जाती हैं, वही आत्मा शाम के समय इस मंदिर के चारों ओर घूमती हैं। नंबर चार, माँ रतनगढ़ वाली मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र मंदिर घने जंगल और सिंध नदी के किनारे पर है। इसी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जीव जैसे कि सांप, छिपकली या फिर जिसके काटने पर मौत हो जाती है, वह जीव व्यक्ति को काट ले तो वह व्यक्ति इस मंदिर की मिट्टी का लेप लगा ले तो वह ठीक हो जाता है। खास बात तो ये है कि लोगों ने इस मंदिर की मिट्टी का लेप लगाया भी है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस मिट्टी के कारण ठीक भी हुए हैं। परंतु जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को लगा तो वैज्ञानिकों ने उस मिट्टी पर शोध किया, परंतु उस मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके कारण लोग जहरीले जीव काटने के समय पर ठीक हो जाते हैं। इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है कि आखिर कैसे और किन कारणों से लोग ठीक हो जाते हैं।
नंबर 5 देवजी मंदिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से लगभग 42 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है, जिसका नजारा देखकर आपका कलेजा मुंह तक आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ लगता है भूतों का मेला। यहाँ का नजारा इतना भयानक होता है कि अच्छे अच्छों की रूह तक कांप जाती है। हर साल मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा से यहाँ भूतों का मेला लगना शुरू हो जाता है। महीने भर चलने वाला यह मेला मलाजपुर गांव में लगता है। इससे मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आसपास के कई राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर में लगने वाला भूतों का मेला बुरी आत्माओं को दूर करने और भूत प्रेतों को भगाने के लिए लगता है। यहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। आज का विज्ञान युग इसे अंधविश्वास कहता है और यहाँ पर आए हुए लोग इसे देवजी महाराज का चमत्कार मानते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6 जगन्नाथ मंदिर कानपुर। यह भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कानपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर बहेटा गांव में बसे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मौसम विशेषकर बारिश की भविष्यवाणी करता है। ये मंदिर बारिश की सूचना एक दो दिन पहले नहीं बल्कि 7 दिन पहले ही बता देता है। कहते हैं कि तेज धूप में इस मंदिर की छत से पानी टपकता है, जबकि बारिश होने पर छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। आश्चर्य तो ये है कि यह मंदिर अच्छी और कम बारिश की ओर भी इशारा कर देता है। यदि छत से टपकती पानी की बूंदे बड़े आकार की हो तो यह अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है, और यदि बूंदे छोटी होती हैं, तो सूखा पड़ने की आशंका होती है। इस मंदिर का डिजाइन अपने आप में अद्भुत है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका राज इस मंदिर के डिजाइन में छुपा है, जो मौर्य अशोक सम्राट के समय बनाए गए इस मंदिर की रचना की गई थी। इस घटना पर यहाँ रहने वाले किसान इतना यकीन करते हैं कि वे लोग मंदिर की छत से पानी टपकने के संदेश को समझकर अपनी जमीनों को जोतने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 7 अंजना स्वामी मंदिर। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में सबसे रहस्यमय इसके खजाने हैं और हर एक खजाने से लाखों करोड़ रुपए का सामान निकलता है। अभी कुछ खजाने बंद हैं और माना जाता है कि उन्हें खास मंत्र के जरिए खोला जा सकता है। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन कौन सी जगह जा चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी में रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।